विवाहिता से घर में घुसकर युवक ने की छेड़छाड़। बीती रात ग्राम अमरमऊ में विवाहिता से घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। हम बता दें कि पीड़िता पति प्रमोद विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष जो घटना के समय घर पर नहीं थे, सूनेपन का फायदा उठाकर ग्राम के ही युवक मुकेश असाटी ने गलत नियत से घर में घुसकर छेड़छाड़ की। पीड़िता के पति का अचानक घर पर आने से युवक भाग खड़ा हुआ। पीड़िता ने अपने पति के साथ थाने में आकर शिकायत की, जिस पर शाहगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 420 के तहत धारा 354, 457, 506 अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मेरे पति घर पे नहीं थे, ग्वाल बाबा आ गए थे, वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। मुकेश को किसी ने सूचना दी कि मेरे पति घर पे नहीं है। उसके बाद वो घर पर आया, दरवाज़ा लटके हुए थे, सीधा अंदर आके गलत तरीके से बदतमीजी की और छुआ भी, और मतलब इधर उधर बदतमीजी करके कहने लगा कि बात क्यों नहीं कर रही, बात करो हमसे ज़बरदस्ती। और मेरे पति की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी वहाँ से, जब लौटे ग्वाल बाबा से तो यहाँ से जल्दी से भाग गया वो। आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सायगढ़ गए, हस्बैंड ने पूछा कि क्या बात है बहुत। उसके बाद मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी वो हो गई है। उसके बाद फिर वो मुझे थाने लेके गए रात को। सर अमरमऊ में जो छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है उस बारे में बता दीजिए। अमरमऊ निवासी महिला ने आरोपी मुकेश पता द्वारका साठी निवासी अमरमऊ के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट की है, जिससे धारा 354, 457, 506 पंजीबद्ध करके विचारण किया गया।